बेहतरी से बढ़ता है, लेकिन ये मेरा शौक है। और दुनिया का वो कौन सा काम है जिसको करने के बाद आदमी थकता नहीं है, बताइए, कोई भी बताए, वो कौन सा काम है जिसे काम को करने के बाद थकावट नहीं महसूस होती, तरोताजा महसूस होता है, वो कौन सा काम बताओ। दुनिया का हर वो काम जो दिल से किया जाता है, दिल लगा के किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती, और जिसको वजन लगा के किया जाता है थकावट होती है। जो तो भी काम आप करते हैं वो दिल से करें, मन से करें, तो आपका दिल और मन और दिमाग एक साथ काम करते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें पीछे नहीं होती, तुम्हें पीछे हटा ही सकती, पूरी प्रकृति पूरा समाज तुम्हारे लिए काम करने के लिए खड़ा हो जाता, पूरा समाज। जैसे डॉक्टर बालियान सर ने, माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने ये सोचा होगा कि मैं इतने बड़े मेले का आयोजन करूंगा जो एक मिसाल बनेगा, जो ऐतिहासिक होगा। तो आप सोच सकते हो, एक बड़े बड़े स्पीकर ने लिखा कि इंसान को दो बार कामयाबी मिलती है, एक बार बिस्तर में मिलती है, सोते में मिलती है, बैठक मिलती है, और दोबारा उसको प्रैक्टिकली मिलती है। एक बार कामयाबी दिमाग में घुस जाती है तो दिमाग में ब्लूप्रिंट बन जाता है, उसको हकीकत में जब उतारा जाता है तब कामयाब होते हो। क्लासरूम के अंदर जब पढ़ते हो और जब पढ़ने के लिए अपने कमरे में बैठते हो, तो जब IAS की परीक्षा देने जाते हो तो उसको ये पता होता है कि मैं सेलेक्ट होने जा रहा हूँ, मैं IAS बन चुका हूँ, सिर्फ मुझे पेपर देना है। और एक क्या है, जब मैं बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि दो तरह के बच्चे होते हैं, जब रिजल्ट आता हाई स्कूल 10th का BA का, तो कुछ माँ बाप मुँह चुरा के बैठते हैं कि कोई मेरे बच्चे का रिजल्ट ना पूछे। कुछ लोग सीना चोरा करके चलते हैं कि काश कोई पूछे कि मेरे बच्चे ने इंडिया टॉप किया है, काश कोई पूछे इंडिया टॉप किया है। तो तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप का सर झुक गया, इसे रिजल्ट दिया। तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप का सर ऊंचा हो जाए, जो चीजें तुम पढ़ते हो तो बेहतर है, जो भी काम करते हो तो बेहतर। अगर भैंस पालते हो, भैंस 10 लीटर दूध देती है तो क्या कमा रहे, आपकी भैंस को 12 लीटर दूध देना चाहिए। मैं कुछ ज्यादा नहीं बोला, ठीक बोल रहा हूँ। तो पशु चिकित्सा मेरा प्रोफेशन था, मैं भैंसों का डॉक्टर था और मैं पशुपालन में आया, लेकिन ये काम मैं हमेशा करता हूँ। मैं जिस गाँव में जाता हूँ उस गाँव में पाता हूँ, और मैंने जितने बच्चों को अब तक मोटिवेट किया है वो IIT बोर्ड में एडमिशन हुए, कई बच्चे MBBS हैं, कई बच्चे PCS वगैरह पाए, सिर्फ मोटिवेशन। मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा, इनके हाथ से स्मार्टफोन छीन लो अपना पढ़ना। स्मार्टफोन क्या खाता है, स्मार्टफोन दुनिया की सबसे कीमती चीज खाता है, और उसी का नाम है समय। जब वो समय खा जाएगा तो तुम कहां, और समय खाने के बाद क्या करता है, आपका सिर खराब करता है, सर में दर्द होता है, फिर पढ़ने को मन नहीं करता। आज आपको स्मार्टफोन का अगर आदत बन गई, हमें तो समझ में आता है कि मैं स्मार्टफोन का यूज करता हूं, मैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट करता हूँ, मैं यूट्यूब पर डालता हूँ, तुम्हारा क्या मकसद है। एक ने कहा हमसे पढ़ते हैं, जब स्मार्टफोन नहीं था उसने बगैर स्मार्टफोन पढ़े और स्मार्टफोन बना दिया। आपको पढ़ना है बुक से, आपको पढ़ना है पेपर से, आपको पढ़ना है किताबों से, आपको मोबाइल पे टाइम ही यूज करना है। 8 बजे से 10 बजे तक सिर्फ 2 घंटे 1 घंटा ही मोबाइल के टच में रहूंगा, इसके अलावा टच में नहीं रहूंगा। मेरा बच्चा नीट की तैयारी कर रहा था, मैंने उसको स्मार्टफोन नहीं दिया, लोकल फ़ोन दिया। तमाम मेरी बीवी ने विरोध किया, उसके मामों ने विरोध किया कि तुम इतने बड़े कंजूस हो, तुमको क्या कर लिया, हम जुम्मे तुम्हें नहीं, मैं मोबाइल नहीं करवाऊँ। जब उसने नीट में बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया, आजकल MBBS कर रहा है, वो भी मोटिवेटेड स्पीकर है, उसका भी यूट्यूब चैनल है, उसे भी यूट्यूब पेमेंट करता है, मुझे भी यूट्यूब पेमेंट करता है। फिर मैंने उसी दिन उसका आईफोन दिलवाया जिसे उसको पूछा। अब तो बिगड़ेगा, इतना बिगड़ेगा कि डिग्री कम नंबर से लेगा, इससे ज़्यादा नहीं बिगड़ सकता, लेकिन 12th का बिगड़ हुआ कभी चीज़ वो ताली वाली नहीं है। उसने कहा कि ताली क्या बजाएं, आप जब बोलते हो तो ऐसा बोलते हो कि आपसे लोग प्यार करने लगते हैं, बोलते हो तो ऐसा बोलते हो जब आप वहाँ से चले जाओगे तो लोग आपकी चर्चा करने लगते हैं, बोलते हो तो ऐसा बोलते हो जब आने वाले होते तो लोग आपकी इंतज़ार करने लगते हैं। जब आप किसी क्लास में पढ़ते हैं तो 3 टाइप के बच्चे होते हैं, एक बाउंड्री लाइन वाले, एक फर्स्ट डिवीजन, एक टॉपर, उनमें क्या फर्क होता है, आज बोल दो उस फर्क को। जो बच्चे क्लास में बैठते हैं और सिर्फ लेक्चर को सुनते हैं, एक कैटेगरी होगी,
और जो ध्यान से भी नहीं सुनते वो रहेगा 50% 45%। एक वो तबका है जो लेक्चर को सुनता भी और लिखता भी, और एक वो तबका है, एक वो परसेंटेज है जो चैप्टर को पढ़ता भी है और लिखता भी है और उस फाइल को अपने ब्रेन के अंदर डाउनलोड भी करता है। जब तक आप ब्रेन के अंदर ऐप डाउनलोड नहीं करोगे, जब तक आप महान नहीं बनोगे, स्मार्टफोन खरीद के लाओ वो स्मार्टफोन होता ही नहीं है जब तक उसके अंदर ऐप डाउनलोड ना किए जाए। हर इंसान के पास स्मार्ट ब्रेन है लेकिन आप ताली नहीं बजाते। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने दिमाग के अंदर ऐप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का हर एक ऐप आप अपने दिमाग के अंदर डाउनलोड करें तो ये देखेंगे कि आप किस तरीके से महान। कोई फर्क नहीं, एक डॉक्टर में, एक इंजीनियर में और एक मैकेनिक में भी कोई फर्क नहीं। सिर्फ वो जो ऐप है MBBS का उसके अंदर इंस्टॉल हो गया वो डॉक्टर का, तो आप नहीं चाहते कि वो ऐप हम भी डाउनलोड कर लो। कैसे ऐप डाउनलोड होता है पता आपको? चलो हम बताते, उसके लिए नेटवर्क का होना जरूरी है, उसके लिए स्पेस का होना जरूरी है जहां वो जा रहा है। नेटवर्क और स्पेस दो चीजें चाहिए। जब यहां से भेजेगा नेटवर्क स्पेस तक जाएगा, जब आपके अंदर हम कोई चीज डाउनलोड करते हैं आपके दिमाग में तो स्पेस ही नहीं है, क्योंकि आपने तो फालतू चीज के लिए पढ़ रखा है। फालतू चीजों को आपने अपने दिमाग में भर रखा है। ये दिमाग को भगवान ने खेत जैसा बनाया है। अगर इस खेत में आप कुछ नहीं बोओगे तो जिस तरीके से खेत में घास, मिट्टी, घास तरह तरह की घास उग जाती है बगैर मेहनत करे हुए, ठीक उसी तरीके से दूसरा किसान उस खेत में जब मेहनत करता है, जब घास निकालता है, जब खाद डालता है तो मन चाही चीजें उससे उगा लेता है। जब ब्रेन के अंदर आप कुछ नहीं उगाओगे तो गलत चीजें हो जाएगी जो आपको जिंदगी भर के लिए कामयाब नहीं होने देंगी। और जिस दिन तुमने ब्रेन के अंदर बढ़िया चीजें होगा बेहतरीन तो आपको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की पूरी समाज, पूरे लोग अगर आपका रास्ता काटना चाहेंगे तो कट ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों को पता है कि ये जो काम करता है वो जुनून की हद तक काम करता है। और जिस दिन आपके अंदर जुनून पैदा हो गया वो दिन आपके लिए बेहद बेहतरीन दिन होगा। उस दिन का कोई जवाब नहीं। आपका टारगेट, आपने टारगेट बनाया यह मेले में आ गए, आप टारगेट नहीं बनाते। आप टारगेट बनाते हो सिपाही का, आप टारगेट बनाते हो किलर का। मालूम है जो शूटर होता है वो निशाना लगाता है, उसका टारगेट क्या होता है? कोई बता दे शूटर का टारगेट का निशाना क्या हो? कोई बता दे जो टारगेट में मारता है शूटर, वो उसका टारगेट क्या होता है? कोई बताए, बताए सवाल है, क्वेश्चन है भाई। एम एम जो गोला होता है उसका कहा गोले में होता है, बीच में होता है, और बताए भाई। बीच में अगर उसका एम होगा तो लग ही नहीं सकता, पढ़ लेना नेट पे डाल दो। उसका बीच से थोड़ा सा ऊपर होता है, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है ग्रेविटेशन फोर्स के साथ नीचे जाती है, जब थोड़ा सा ऊपर रखता है तो टारगेट में आके लगता है। जब तेरा टारगेट ही सिपाही है तो सिपाही से नीचे है ही नहीं, तो तू बनेगा क्या? जब आप के मोबाइल में एक ऐप है जो लोकेशन बताता है, जो क्या बताता है? लोकेशन बताता है, तो इसको आप मोबाइल में डालते हो कि यहां से दिल्ली का रास्ता बता, तो दिल्ली का बताता है। उसे कहते हो यहां से जबलपुर का रास्ता बता, बताता है। यहां से आप चेन्नई का रास्ता बता, बताएगा नहीं बताएगा? एक इंसान का बनाई हुई मशीनरी जो कुछ तुम उसके अंदर डालते हो वहां का रास्ता निकाल के देता है। तो जो खुदा ने, भगवान ने जो हमें स्मार्ट ब्रेन के साथ पैदा किया है, आप उससे काम ही नहीं लेते, उससे छोटे छोटे काम लेते हो, वो छोटे छोटे करके दे देता है। जिस दिन से कहोगे कि मुझे IAS बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो सारे रास्ते ये साइंटिस्ट के और IAS के बना के देगा, कोई ताकत नहीं है। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, मैं कहता हूं पढ़ाने की जरूरत नहीं, पढ़ तो कहीं मिलेगा। लोगों को खाना बना के बढ़िया खिलाया जाता है, बढ़िया खाना बना के खिलाया जाता है, खाना खिलाने की जरूरत नहीं है, खाना तो कहीं भी खा लेगा।
लोगों को चाहिए उनके अंदर भूख पैदा करना। जिस दिन वो भूख होगी, पेट के अंदर भूख होगी, तो जो खाना अच्छी क्वालिटी का नहीं भी होगा तब भी खाना खाने का मन करेगा, खाना दिल से खाओगे। और अगर पेट के अंदर भूख नहीं है, दुनिया का अच्छे से अच्छा खाना भी आप खाइए। आपके अंदर मुझे पढ़ाई की भूख पैदा करनी है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन आपको होना चाहिए कि पढ़ने के बाद क्या होता है। पढ़ने के बाद 100 फोटो आएंगे, एल्बम होगी, और हर फोटो हीरोइन लाइक होगा, जो दिखाई दे रहा होगा कि लड़की की फाइल कितनी है, हेल्थ कितनी है, पर्सनालिटी कितनी है, 1 करोड़ रुपया है, इसके बाद में ये स्टैंड। अगर पढ़ लिख गए तब आप अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर सकते हो, वो भी हाँ कर देगी। वरना जिसके साथ आपने 12th 11th में दोस्ती की थी, वो भी आपको हाथ नहीं आने वाली है। चूंकि अगर आप समाज में कोई बेहतर मुकाम हासिल नहीं करते हो, तो समझ लो कि आपकी कोई पहचान नहीं है। शादी तेरी सूरत से नहीं होती, शादी तेरी हाइट से नहीं होती, शादी तेरी बालों से नहीं होती, शादी होती है तेरी डिग्री से। अगर तेरे पास डिग्री है तो तेरी शादी होगी, नहीं तो क्वारंट। एक बहुत अति सुंदर लड़की थी, महिला थी, बेहद खूबसूरत औरत थी। उसको गुमान था अपनी खूबसूरती के ऊपर, गुमान जानते हो, इतना गुमान था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत थी। और वो राजा के दरबार में डांस कर रही थी, डांसर थी। राजा खुतरा था, राजा बसूरत था, राजा काला था, किसी दीन का नहीं था। उसे देख के उल्टी आती थी। तो जब वो झूम के डांस कर रही थी लड़की, नृत्य का डांस करते ही करते जब उसकी निगाह राजा के चेहरे पर पड़ी, तो राजा का चेहरा देख के वो रुक जाती है और हाथ जोड़ लेती है और राजा से ये कहती है कि बादशाह सलामत, अगर खून की माफी हो तो मैं एक सवाल करूं। मुझे डाल मसूदरा बोले, पूछो क्या सवाल है। बोले सवाल ये है कि जब हुस्न बट रहा था तो आप कहाँ थे। बोले मैं वहां था कि तेरी जैसी लड़कियां रोज डांस करने आती है, मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं दौलत का खंभा, मैं कामयाबी का खंभा पकड़ा था जिससे हर चीज तुम्हारे साथ पास में आ जाती है, लेकिन तुम अपने चेहरे को खूबसूरत बनाते हो। तेरे चेहरे के खूबसूरत लोग तो बहुत कुछ हैं, तेरे चेहरे पे तुम बालों को खूबसूरत बनाते हो, तेरे बालों को कोई नहीं, बालों के अंदर जो ब्रेन है, जिस दिन तुमने ब्रेन को स्मार्ट बना दिया, कसम खुदा की तेरे पास जिस तरीके से गुड़ के ऊपर मक्खियां आती हैं, चींटियां आती हैं, हटा दे तो फिर आ जाती हैं, उस तरीके से तेरे बाप के पास, तेरी माँ के पास, तेरे भाई के पास रिश्तों की लाइन लग जाएगी कि वो लड़का IAS में सेलेक्ट हो गया, हमारे रिश्ता करा दो हमारे। वरना मेरे पास जाट लोग आते हैं, वो जो कहते हैं डॉक्टर साहब जमीन तो 50 बीघे है, लौटे का ब्याह वगैरह ब्याह करा दे, 50 बीघे का ब्याह नहीं हो गया। चूंकि वो चाहते हैं कि लड़का हमें नौकरी वाला चाहिए। अगर तू चाहता है कि तेरी शादी 24-25 साल में दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी हो जाए, तो थोड़ा बहुत पढ़ ले, मन लगा के पढ़ ले, दिल लगा के पढ़ ले, तेरी शादी हो जाएगी। तो चीजों को हम बहुत सारी चीजें बताते हैं, करते हैं। अगर हमारा समाज नहीं हुआ, अशिक्षित रह गए, तो समझ लो जितने भी दुनिया के मुल्क हैं उन्होंने शिक्षा के दम पर राज किया। एक ने पूछा कि राजा और विद्वान में क्या फर्क होता है, राजा और विद्वान में क्या फर्क होता है। बोले छोटा सा फर्क होता है, राजा जहां का उसका एरिया होता है उसकी हुकूमत उसी एरिया में चलती है, लेकिन विद्वान जहां खड़ा हो जाता है वहीं से उसका एरिया शुरू हो जाता है, तो आप विद्वान बने आते हैं। आइंस्टीन को हम भी पढ़ते हैं, आइंस्टीन को पूरी दुनिया पढ़ती है, लेकिन हमारे जो पूजनीय नेता हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कंट्री के हो, वो अपने कंट्री में भारत रत्न पा सकते हैं या बड़ी बड़ी डिग्री पा सकते हैं, लेकिन उनको किताबों में पूरी दुनिया में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन दुनिया की हर किताब में पढ़ाया जाता है कि बल की खोज किसने की थी, ब्लैडी से। आप अमर हो जाइए। कुछ ज्यादा बोलो, बढ़िया। तो जब कोई बात है,